कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दशहरा मैदान पर होने वाला आयोजन भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गुरुवार को कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में बच्चों और महिलाओं के लिए किस तरह के प्रोग्राम आयोजित करना है इस पर चर्चा की गई। देखिए खास रिपोर्ट। 25 अगस्त को इंदौर के दशहरा मैदान पर यादव समाज के द्वारा भव्य जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। आयोजन को लेकर जहां राजनीतिक स्तर पर तैयारियां जारी है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई है। गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। दरअसल आयोजन में बच्चों और महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है। जन्मोत्सव के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शिक्षा विभाग को बच्चों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि महिला बाल विकास विभाग को अधिक से अधिक लाडली बहनाओं को कार्यक्रम में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए आगामी 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाना है। चूँकि यहाँ पर जनापाव भी है, जहाँ पर भगवान श्री परशुराम ने सुदर्शन चक्र भेंट किया था भगवान श्री कृष्ण को, तो उसकी भी महत्ता को दर्शाते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। और इसमें जो प्रतिभागी हैं और जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, उस पर चर्चा के लिए आज सभी विभागों के साथ में बैठक रखी गई थी और संबंधितों को निर्देश जारी किए गए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और ये कार्यक्रम थोड़ा अलग हटके होगा। उत्सव के रूप में बच्चे और जो माताएं खासतौर पर आएंगी, वो वहाँ पर आएं और उत्सव के रूप में उसको मनाएं, ये हमारी प्लानिंग है, जिसके हिसाब से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को शासकीय स्तर पर श्री कृष्ण मंदिर में व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के मुताबिक गोपाल मंदिर पर विद्युत सज्जा सहित साफ सफाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निश्चित रूप से खासतौर पर जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, उनमें सब में साफ सफाई, लाइटिंग और कुछ कुछ कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो शासन के आदेश हैं उसके अनुरूप भी यहां पर सभी जगहों पर कार्य किए जाएंगे। दशहरा मैदान पर होने वाले आयोजन में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी प्रशासन के अलावा राजनीतिक स्तर पर भी की गई है। भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि इस आयोजन के लिए अपने अपने स्तर पर व्यवस्था जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।